नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपको स्वागत है। मैं हूं मुकुंद। अभी मौजूद हैं दिल्ली एलजी हाउस के बाहर, जहां पर दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में मजदूर पहुंचे हैं। ये मजदूर अलग अलग तबके के काम करने वाले हैं। कई सरकारी कर्मचारी हैं, कोई नगर निगम कर्मचारी हैं, कोई इसमें रेहड़ी पटरी है, भवन निर्माण से जुड़े लोग हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर लोग हैं, डोमेस्टिक वर्कर लोग हैं। ये सभी लोग यहाँ पहुँचे हैं दिल्ली भर में जो मज़दूरों का सवाल है उनको लेकर। और इस पूरे रैली का नेतृत्व कर रही है सेंट्रल इंडियन ऑफ ट्रेड यूनियन CITU। उसके लीडरशिप में ये जा रहा है। इन्होंने एक मांग पत्र भी लेके आए हैं जो LG हाउस में मिलकर एक डेलीगेशन गया है, वो उन्होंने LG को सौंपा है। और उनका साफ कहना है दिल्ली के अंदर मज़दूर जिस हाल में रह रहा है वो लगातार बद से बदतर हो रहे हैं। सरकार उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। और ये LG निवास पर इसलिए आए हैं क्योंकि वर्तमान में दिल्ली के मुखिया LG हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के तौर पर LG को रखा गया है। इसीलिए लोग LG निवास पर LG के यहाँ धरना देने आए हैं। उनका साफ कहना है जो अगर सरकार और LG ने हस्तक्षेप करते हुए मज़दूरों की स्थिति में सुधार नहीं किया, उनके पक्ष में बने कानूनों को अगर लागू नहीं किया, तो आने वाले समय में ये एक सांकेतिक धरना ज़रूर है। इससे बहुत बड़ा विशाल धरना होगा और दिल्ली के सारे मज़दूर आके अनिश्चितकालीन धरने तक की बात कह रहे हैं। सुनिए इन्होंने पूरी बातचीत में क्या कहा है। देखिए, आज 4 अक्टूबर को पूरे दिल्ली से हज़ारों की संख्या में मज़दूर यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मुख्य मांग तो यही है कि 4 लेबर कोड को वापस किया जाए। दूसरा ये है कि दिल्ली के अंदर मज़दूरों के लेबर ऑफिस से लेके सारे काम ठप पड़े हुए हैं। भवन निर्माण मजदूरों का काम ठप है, रेहड़ी पटरी मज़दूरों को उजाड़ा जा रहा है, संगठित क्षेत्र के लिए लेबर ऑफिस में भी दिक्कतें हो रही हैं। उन तमाम चीज़ों को लेकर आज हज़ारों की संख्या में मज़दूर यहाँ एकत्रित हुए हैं। मज़दूरों में बहुत रोष है, गुस्सा है, और उसी गुस्से का इजहार करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। मैं आज भी ये समझता हूँ जो मज़दूरी के हालात आज से 50-60 साल पहले जब अंग्रेज़ थे तब भी यही थे और आज भी यही है। पहले भी इनका पूरा शोषण होता था और आज भी शोषण हो रहा है। मतलब ये जो राष्ट्र निर्माण होता है मज़दूरों के कंधों पे होता है, लेकिन मज़दूरों की कहीं भी कोई पूछ नहीं होती है, ना उनकी जान की सिक्योरिटी है, ना किसी चीज़ की है। LG और मतलब एक जो केंद्र सरकार है वो ऑन कैमरा आके घोषणा करती है कि वकील हसन रेड माइनर का घर तोड़ा गया और उसे हम कंपनसेट भी करेंगे और जो नुकसान हुआ और उसे मकान भी देंगे। इतनी बड़ी बात करने के बाद भी इन लोगों का एक धारणा बन चुकी है, बस अब कह दिया आगे बोलने वाला और सुनने वाला कोई नहीं है, कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा और हमें आगे कोई जवाबदेह भी नहीं है। तो ये बड़े शर्म की बात है कि इतनी बातें, मतलब इतना, मतलब हमारे जो प्रतिनिधि से है, जो दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि हैं, और वे ये बातें करके पीछे हट जाते हैं, कोई रिस्पांस नहीं देते हैं, और मज़दूर का कोई भी, मज़दूर के मामले में कोई भी इनके लिए, इनके दिल में कोई संवेदना नहीं है। मज़दूर अगर मरता है तो और मज़दूर पैदा हो जाए, इनके दिमाग में धारणा कर चुकी है। अभी मज़दूरों का तो हालत ये है, जब से हम उत्तराखंड काशी से आए और अभी तलक सरकार ने ना तो हमारी मज़दूरों की तरफ या हमारी तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया। और आज भी जिस घर में हम 8x10 में रह रहे थे, आज भी रह रहे हैं हमारे लड़के हैं सारे और जितने भी मज़दूर हैं। मैंने एक काम कर रखा है, आज तलक इन 8-10 महीने में 2 रुपये का काम नहीं होता और इन्होंने कोई मज़दूरों के लिए कोई सुविधाएँ भी नहीं कर रखी। थोड़ी बहुत होती है तो वो इसे काट देते हैं ये लोग। लंबे समय से जब से LG साहब प्रशासक की भूमिका में आए हैं, सबको जानकारी है केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उलटते हुए इनको सर्वे सर्वा बना दिया और इलेक्टेड गवर्नमेंट की आज कोई बकत नहीं रही है। उस दिन से लगातार अलग अलग जो भिन्न भिन्न घटनाएं हुई हैं, जैसे मुंडका की घटना हुई थी, उसके बाद में अलीपुर, बवाना, कारखाना स्थल पर जो है मज़दूरों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। और उस संबंध में हमारी लगभग 4 से 5 बार श्रम सचिव के साथ, लेबर कमिश्नर के साथ बैठकें भी हुई। हर बार उन्होंने बोला कि हम फला फला कदम उठाएंगे, मगर कोई कदम नहीं उठाया गया। हम लोग उपराज्यपाल कार्यालय में भी हम लोगों ने पत्राचार किया, आज दिन तक कभी बुलाया नहीं गया। यहाँ तक मिनिमम वेजेस की बात है, अभी पीछे घोषणा भी की गई है आतिशी जी द्वारा, मुख्यमंत्री, मगर हम ये कहना चाहते हैं कि जो पहले भी वेतन था और अभी भी जो वेतन घोषणा हुई है, इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि वो लागू हो। सबसे पहले तो वही लागू नहीं हो रहा है। ठेकेदारी तो हर डिपार्टमेंट में चल रही है। जो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, कर्मचारी गुजर जाते हैं, उनकी जगह नहीं भरी जाती है, खाली पड़े हैं। जिस डिपार्टमेंट में, जल बोर्ड में ही अगर हम हिसाब लगाएं तो कभी 30 से 35 हज़ार कर्मचारी हुआ करता था, आज दिल्ली जल बोर्ड में 12 हज़ार कर्मचारी रह गया है। दिल्ली की जनसंख्या जब जो है ना लगभग 75 लाख थी, आज दिल्ली की जनसंख्या 3 करोड़ हो गई है। तो कर्मचारी तो जो खाली पोस्ट हैं वो तो भरनी ही चाहिए,
और दूसरी पोस्टें क्रिएशन भी होनी चाहिए। यही हाल NDMC का है, यही हाल MCD का है, तो हर जगह यही है। और ठेकेदारी जो है वो श्रम की लूट और श्रमिकों का शोषण, ठेकेदारी का एक फंडा है श्रम की लूट करना और श्रमिकों का शोषण करना। और पूंजीपतियों के द्वारा ये काम होता है, लेकिन सरकार उनके टूल्स बन रही है, सरकार उनका टूल्स बन के जो है पूंजीपतियों के पक्ष में काम कर रही है, और इसलिए वो ठेकेदारी प्रथा और निजीकरण को ज़्यादा से ज़्यादा लागू करना चाहती है। देखिए, दिल्ली में पिछले अगर 10 सालों का इतिहास भी लिया जाए तो सैकड़ों की संख्या में मजदूरों की डेथ हो चुकी है अलग अलग फैक्ट्रियों में आग लगने की घटनाओं के चलते, और हम लोगों ने CITU ने लगभग सभी घटनाओं पे अपनी प्रतिक्रिया दी है। हमने धरने प्रदर्शन किए हैं, हमने मूवीज़ बनाई है, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है, और आम जनता में भी प्रचार किया है। परंतु मुआवजा तो कहीं कहीं मिला है, लेकिन आम तौर पे सरकारें बहुत ढीलम ढाल रवैया मजदूरों की जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। हमारी समस्या यह है, आज हमको 28 वर्ष हो गए, हमारी वही 15-16 हज़ार रुपये सैलरी है, गुजारा होता नहीं, ना हमें कुछ मिलता है। आज दिन तक हमारी कोई मांगे नहीं मानी नहीं, और अब हमारे 2 साल रिटायरमेंट ही के रह गए, क्या है जिस हिसाब से आए थे ऐसे ही घर चले जाएंगे क्या? मिली आज की स्थिति तो यह है कि हम जो काम करते हैं कारखानों में, दिल्ली में वेतन तो है 17,000 से ऊपर है, कहने को मिनिमम वेज है, लेकिन मिलता कितना है? 12 घंटे 10 घंटे काम करने के बाद भी 7,000 8,000 9,000 रुपया मिलता है, और वही जब कमा करके और जब हम बाज़ार में जाते हैं तो आज जो सब्जी है वो 60 रुपये से नीचे नहीं है। तो कुछ क्या स्थिति बनती है कि घर परिवार को गांव में छोड़ना पड़ता है, एक एक रूम में 7-7, 8-8 लोग रहते हैं जो पैर फैला करके शाम को सो भी नहीं सकते, रात को आराम से 10 घंटा खटने के बाद भी आराम से, क्योंकि अपना मकान नहीं होता, किराए पे रह रहे हैं, महंगाई इतनी है कि हम किराया पे नहीं कर पाते, बिजली का बिल अलग से देना है, पानी का बिल अलग से देना है, और कोई हमारे लिए कोई वैसी सुविधा नहीं है, राशन की सुविधा हमें नहीं है, तो हम जो 9-10 हज़ार रुपया कमाते हैं उसमें घर चलाना ही मुश्किल हो जाता है। दिल्ली के मजदूर, इंडस्ट्रियल मजदूर खास करके, जो लेके एजिटेशन कर रहा है, सारे डिमांड को अगर एक सेंटेंस में बोला जाए, जो मौजूदा कानून है उसका पालन करो। और ये हैरानी का बात है, जो ये सभ्य समाज में, सिविलाइज सोसाइटी में, हमको सरकार को बोलना पड़ता है जो तुम्हारा बनाने हुए कानून तुम पालन करो। मिनिमम वेज एक दर बना के रखा है, उधर हमारे मांग से कम है, लेकिन वो भी नहीं देते। 4,000, 5,000, 6,000 में बड़ा बड़ा घंटा काम करवा रहा है, गैर कानूनी है, वो मालिकों को प्रोसिक्यूशन हो जाना चाहिए, नहीं हो रहा है, इंस्पेक्टर नहीं जाते हैं, जाता है तो पैसा खा के चला आता है। और श्रम दफ्तर ने अभी बोलता है सारे कंप्लेन ऑनलाइन करो, वो पोर्टल से देखते हुए उसको कदम उठाएंगे, तो खास करके कानून पालना करें, यही है। आज निगम में हमारी मांगे यही है कि हमारा वेतन, जो हमने डिमांड में लिखा भी हुआ है, सभी को बहुत कम एक वेतन मिल रहा है, जिसकी वजह से वेतन बढ़ाया जाए। आज 29-30 सालों से वो पक्के नहीं हो पा रहे हैं, उनको पक्का किया जाए। 30-30 साल हो गए हैं लगातार ना वेतन बढ़ने में आ रहा है, ना पक्का किया जा रहा है। आज उस कर्मचारी को अपनी इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, इस कम वेतन में उस कर्मचारी से एक परमानेंट से भी बढ़कर काम लिया जा रहा है। वो डोर टू डोर अपने आज जो पसीना बहा रहा है कर्मचारी, उसका उसको फल नहीं मिल पा रहा है। जहाँ तक कि अपने आज जवानी से बुढ़ापा आ गया, उस कर्मचारी के साथ इतना परेशानी भुगतनी पड़ रही है, वेतन है वो समय पर नहीं है, अपनी जो परमानेंसी है वो 30 साल हो गया है, वो नहीं होती है। आज हमारी तनख्वाहें बढ़ने का सवाल है, तनख्वाह बढ़ने का सवाल नहीं आ रहा है। तो आज हम अधिकारियों से लगातार पत्र व्यवहार, मौखिक रूप से मीटिंग करते करते भी परेशान हो गए हैं, लेकिन लगातार कोई भी सही तरीका, सही जवाब नहीं मिल पा रहा है। आज मजबूर होके जब भी तो कर्मचारी रोड पर उतरता है, ये उसकी मजबूरी है कि जो उसे रोड पर उतारती है। अगर आज ये काम मजदूर के साथ सरकार सही तरीके से चल रही होती, तो आज मजदूर एक अपनी दाल रोटी ठीक से चला पा रहा होता और अपने बच्चों का जीवन भी यापन सही से करता।